हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, CUCET पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमित सिंह आर्या है। मैंने अपनी BA आर्ट्स की ग्रेजुएशन BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है विथ हॉस्टल, एंड देन आफ्टर मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क भी कम्प्लीट करके अभी प्लेसमेंट में जॉब कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारे सामने, आपने पहले ही देखा होगा क्या होगा बुक लिस्ट, वो भी BA की बात करेंगे हम। अभी के करेंट सिलेबस पैटर्न में इस 2022 में अगर आप एंट्रेंस देते हो या इससे आगे भी देते दोगे तो ये काम आने वाला है। बुक लिस्ट, हम वैसे बुक्स की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको इफ यू वांट टू बी द बेस्ट देन प्रिपेयर लाइक अ बेस्ट, आप बेस्ट की तरह तैयारी करो, सेलेक्टेड चीजें पढ़ो। 5, 10, 15 किताबें पढ़ने से अच्छा है पूरे सिलेबस की 2 से 3 किताबें मैं बताऊंगा उसको बार बार पढ़ो, और बार बार पढ़ने से जो एक्सपीरियंस डेवलप होगा उसके बाद उससे प्रैक्टिस करो और फिर आपका रिजल्ट पक्का है। यही पिछली बार भी हमारे चैनल से काफी बच्चों ने इस तरीके की तैयारी की थी, घर बैठे फ्री में भी की थी और हमारी पेड कोर्स भी ज्वाइन की थी जिसकी बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्या नीड है सिलेबस की, क्या जरूरत है और वो आपसे क्या ढूंढती है, क्या आपसे मांग रही है। इससे पहले पार्ट ए का सिलेबस जो कि कॉमन है सबके लिए, पूरे भारत में वो कॉमन सिलेबस होगा सबके लिए, हमने बनाया है वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा पार्ट ए का। तो बात करेंगे अब BA के लिए और पार्ट बी यानी स्पेसिफिक रोल वाले सब्जेक्ट। स्पेसिफिक क्या होगा, जैसा कि नाम से पता है आपको BA इन आर्ट्स एंड सोशल साइंस, दोनों को BA ही कहते हैं, बैचलर इन आर्ट्स। तो इसमें आर्ट्स एंड सोशल साइंस में क्या डिफरेंस है, एक वीडियो है वो आप लास्ट में देख सकते हो उसको आराम से इजीली। स्पेसिफिक सब्जेक्ट में सिलेबस की जहां तक बात करेंगे, इस बार भी NTA ने एग्जाम लिया था 2021 में और सिलेबस का एक पूरा उसका पैकेज जो है उसको कुछ ऐसे समझते हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, दोनों उसमें चीजें रहती हैं। जनरल अवेयरनेस की खास बात यह है कि उसमें करेंट इंक्लूड होगा, इकोनॉमिक करेंट इंक्लूड होगा, सोशल साइंस इंक्लूड होगा और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें इंक्लूड होंगी जो आप हमारे चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स या वीकली करेंट अफेयर्स या मंथली करेंट अफेयर्स कोई भी वीडियोस देखे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जनरल स्टडीज तो हमने देख लिया, अब साइंस का क्या रोल है। साइंस में बायो सबसे ज्यादा पूछा गया है, उसके बाद केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। तो ये एक अच्छा रोल मिल जाता है साइंस का आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आता है कि जनरल अवेयरनेस को हमने देखा था करंट अफेयर्स के रोल में, CA करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या है, देखिए चूंकि ये जो आपका एग्जाम होता है वो आपका कॉमन होगा सोशल साइंस के साथ, तो सोशल थिंकर जैसे कार्ल मार्क्स, रूसो, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके छोटे छोटे कोटेशन, थॉट्स या बाकी चीजें पूछी जाएंगी। पहले दोस्तों ये बहुत जरूरी होता है आपको समझना, क्योंकि आप बी ए आर्ट्स में जा रहे हो, सोशल साइंस में जा रहे हो, तो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इतने चीजों का काफी अच्छा रोल है और ये बहुत ज्यादा आपको दिख रहा होगा। हो सकते हैं कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर हम NCERT पढ़ेंगे या NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे NCERT को कंबाइन करके किसी एक बुक में तो दिया ही हुआ है और उस बुक को आप NCERT का समझ लो जुड़वा, सारे NCERT सारे सब्जेक्ट को एक जगह कंपाइल किया गया है। और वो जो सब्जेक्ट है और वो जो बुक है वो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये है लूसेंट। लूसेंट की ये वाली किताब जो है और अपडेटेड, ये जो है अपडेटेड किताब है, आपको खरीदनी है और ये नहीं कि किसी भैया का है, बहुत पुराना लोग पढ़ने लगते हैं, वो नहीं पढ़ना है क्योंकि हर साल इस किताब में कुछ ना कुछ नया देता है। लूसेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लूसेंट के साथ खास बात ये है कि NCERT का निचोड़ है आपके काम के लायक, सबके लायक नहीं, आपके काम के लायक ये निचोड़ है, आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपकी जरूरत की चीज है। तो लूसेंट आपको GK की जो किताब है वो एकदम बेस्ट है, नेसेसरी है, जरूरी है। आपने चूंकि 12th पास किया होता है इसलिए आपकी साइंस की कॉन्सेप्ट अच्छी होती है और इस किताब को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने 196 रैंक लाया था BHU BA आर्ट्स में और मैंने 22 से 23 दिन सिर्फ इस बुक को रिवाइज किया था, उसके दम पे इतनी अच्छी रैंक आ गई। तो आपको अगर मान लो आपने 1.5 महीने कर लिया तो हो सकता है आप टॉपर बन जाओ, अच्छे से और कमांड कर लो, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
हमारे प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट के, जैसे कि पॉलिटी के, फिर हिस्ट्री के, फिर जियोग्राफी के, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। ये प्लेलिस्ट इतने काम के हैं, इसको देखो, इससे नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद अल्टीमेटली उसको रिवीजन करना है आप सब लोगों को। और फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की, प्रैक्टिस क्या होता है, आप कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके लिए आप फ्री हो। बट सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस आप स्पेयर टाइम में करो, स्टडी का अलग टाइम होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बोर्ड के साथ तैयारी करते हैं, उन्हें भी एक तरीके से ये बैलेंस रखना चाहिए कि 2-3 घंटे मैं यहाँ पढ़ू, 5-6 घंटे वहां पढ़ू, है ना। तो ऐसा बांट के, या फिर डे वाइज कर दिया कि संडे सैटरडे को हमने ये पढ़ लिया उसके हिसाब से। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक रोल हम इसलिए समझ रहे हैं कि उससे पता चलता है कि क्या पूछा गया था, तो दिमाग में एक बात आती है कि क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करेंगे कि हमारे प्लेलिस्ट में जो प्रैक्टिस सेट है इसको कैसे आप करोगे। कुछ नहीं करना है, पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट का उपयोग आपको करना है और क्वेश्चन देखते जाना है, सॉल्व करते जाना है, उसमें जो गलत होता है उसका नोट्स बनाते जाना है। हमने एक किताब की बात की, वो थी लूसेंट। अगर आप जनरल साइंस में भी इंटरेस्टेड हो तो आप ये खरीद सकते हो, जनरल साइंस, ये भी पतली सी बुक आती है, इसमें से बायो तो जरूर पढ़ना, काफी आपके काम का है। और बात करते हैं, अगर आपको और भी थोड़ा डिटेल में जाना है तो आप अरिहंत की किताब ले सकते हो, अरिहंत की पुराने साल के क्वेश्चन पेपर भी उसमें मिल जाएंगे। वैसे हमने सॉल्व करवाए हैं पिछले 5 साल के, आपको बीए आर्ट्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। अरिहंत की किताब की खासियत यह है कि प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, और उसी हिसाब से आपको एक लिटिल सिलेबस और एक लिटिल चीजें देता है, हर कुछ देगा लेकिन बहुत छोटे छोटे लेवल पे देता है। इसलिए मैंने लूसेंट और सिर्फ लूसेंट का कहा। बीए आर्ट्स सोशल साइंस अगर आपको निकालना है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि ये किताबें पढ़ें। पार्ट ए की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है। पार्ट ए में मैंने बताया था मेंटल एबिलिटी, उसकी सिलेबस मैंने दिखाई है, बजाते किताब की फोटो दिखाई है, उसकी किताब क्या होगी। अरिहंत की ही रीजनिंग की बुक आती है और एक मेंटल एबिलिटी की बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है। उसके अलावा अगर इंग्लिश अवेयरनेस की हमने बात की थी तो मैंने कहा था आपसे एमबी पब्लिकेशन जो है वो एसएससी की किताब है, बट उसमें इतने ग्राउंड लेवल से इंग्लिश सिखाया गया है कि आप भरोसा नहीं करोगे, एक छोटा बच्चा भी है अगर 7-8 क्लास का तो वो सीख सकता है उसमें, इतने इजी लैंग्वेज में। जो हिंदी भाषी बच्चे हैं जिनको दिक्कत होती है इंग्लिश में, उनके लिए बहुत अच्छा है, और उससे आप बेसिक से लेकर के आप एक्सपर्ट लेवल तक की तैयारी कर सकते हो। उसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे, वो किताब एसएससी की है लेकिन यहाँ बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। और हमारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट आप देखोगे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो मेंटल एबिलिटी एंड ये इंग्लिश दोनों बात हमने कर लिया। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बेस पूछेगा जो कि आपकी मेंटल एबिलिटी के बुक से हो जाएगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट में यहाँ जो भी चीजें पूछी जाएंगी आपको मैंने बता दी। इसके अलावा बीए से रिलेटेड कई सारे वीडियो हैं, उनकी पूरी प्लेलिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और आपको दोनों साइड में मेरे ढेर सारे वीडियो के लिंक दिख रहे होंगे, उस पर जरूर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।